मतलब मैं दलित के घर खाना खाने गया, क्या दिखाना चाहते हैं? कौन है दलित? मतलब छुआछूत है, अछूत है वो। मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर ड्रामे मचा रहा है कि मैं दलित के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे इनके सड़े हुए गले सिस्टम, जातिवाद के हिसाब से मैं दलित हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे घर चलिए और आप मेरे घर खाना खाकर मुझे परेशान दिखाएंगे। मेरे घर खाना खा लिया, क्यों दिखाएंगे भाई? इसमें लिखा हुआ सीएम के दौरे से पहले दलितों को बांटे गए साबुन, शैम्पू, सेंट और कहा ये लगाकर ही पास जाना। ये वही मुख्यमंत्री है, वो हाथरस वाला कांड याद है इनको? ये भूल गए, ये वो भी दलित की बेटी थी, हिंदू और मुस्लिम बांटे इन्होंने। तो जो दलित है वो कौन से माते हैं? वो 80 में 20 में गोरखपुर वापसी हो चुकी है और वो बढ़िया तरीके से वापसी हो गई है। तो जो काम पहले होना था वो अभी हो गया है। रिपीट कर रहे हैं, जो भगदड़ मची है इनके टिकटों को लेकर, वो टिकट इनके खत्म हो चुके थे। अगर ये कहीं और देते तो इनके कैंडिडेट्स वगैरह सब भाग चुके होते। गोरखपुर से ही क्यों लड़ना? क्योंकि घर वापस जाना है भैया, वापसी में आसानी होगी। अगर कहीं और से लड़ेंगे, अगर नोएडा से लड़ लिया तो नोएडा से गोरखपुर तक जाने बड़ी बेइज्जती होगी। पहले घर जाकर बैठ गए, मठ संभाल लिया योगी जी ने अपने जाकर चुपचाप गोरखपुर में मठ में बैठे हैं। अपने बाबा जी मठ संभालेंगे, सरकार संभालना उनके बस की नहीं है। रवि चौधरी नाम है मेरा। चौधरी साहब, क्या लग रहा है सरकार को? 5 साल देख लिया आप लोगों ने, क्या मन में चल रहा है? सरकार तो निकम्मों की सरकार थी, ये धोखे से बनी थी और अब जनता मन बना चुके हैं ना बदलने का, तो सरकार तो बदली जाएगी और बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस कहने के लिए है ही नहीं। अब ये उलझल चीज़ें ढूंढ रहे हैं करने के लिए, काम तो इनके पास है नहीं ना, इन्होंने पहले किए ना आगे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई तरीका होता है, कोई प्लानिंग होती है। खाली जात धर्म ड्रामेबाजी पर काम नहीं चलता, सरकार नहीं चलती ना। तो कुछ किया नहीं गया, अब नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि क्या ड्रामा करा जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सिर्फ जात धर्म और लड़ाई दंगे से रिलेटेड काम इनके बस के नहीं है, नहीं कर सकते। अच्छा, योगी जी जो है कल दलित के घर जा कर के जो है खिचड़ी खा रहे हैं, तस्वीर वायरल हो रही है क्या? भाई ये बताएं पहले मुझे, ये योगी जो है ये दलित कौन है? दलित के घर खाना खा लिया, क्या एहसान कर दिया? क्या पहले ये बताओ मुझे, दलित ऐसा क्या बीमारी है जो कि दलित के घर खाना खाने जाऊँ मैं? स्पेशल क्या कमी है उसके अंदर यार? मतलब मैं दलित के घर खाना खाने गया, क्या दिखाना चाहते हैं? कौन है दलित? मतलब छुआछूत है, अछूत है वो, क्या होता है दलित? दलित के घर खाना खाने, मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर ड्रामे मचा रहा है कि मैं दलित के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे इनके सड़े हुए गले सिस्टम, जातिवाद के हिसाब से मैं दलित हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे घर चलिए और आप मेरे घर खाना खाकर मुझे परेशान दिखाएंगे। मेरे घर खाना खा लिया, क्यों दिखाएंगे भाई? क्या मैसेज क्या देना चाहता है मुख्यमंत्री कि जातिवाद को बढ़ावा दें, छुआछूत फैलाएं, दलितों घर खाना नहीं खाना चाहिए, हमने खा लिया तो एहसान कर दिया, ये इसका कहने का मतलब? और कौन कौन मुख्यमंत्री कह रहा है ये बात? वो मुख्यमंत्री जिसका अभी 24 मई 2000, ये मेरे पास एक कटिंग है, पहले मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में रुक रहा हूँ बहुत, 26 मई 2017 का अगर आप ये दिखा सकते हैं अपने कैमरे में दिखाइएगा, अमर उजाला की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ सीएम के दौरे से पहले दलितों को बांटे गए साबुन, शैम्पू, सेंट और कहा ये लगाकर ही पास जाना। ये वही मुख्यमंत्री है, वही मुख्यमंत्री जिसके पास भी अगर उस दलित को जाना है तो ये चीज़ें बांट दी गई हैं इंसान की, जो ये दलितों के इस तरह का व्यवहार कर रहा है। भाई मैं खड़ा हूँ सामने, मैं दलित हूँ, मुझे शैम्पू सेंट बताएंगे इंसान कि मुझे लगा उसके पास जाना है, मेरे घर में आ जाए तो मुझे गंगल छिड़क कर पवित्र करना पड़ेगा। इनके पास यही बेशर्मी वाली हरकतें करने के लिए हैं, यही इन्होंने किया है। जब इनकी सरकार आई तो इनको राजभवन गंगा जल से और जानवर के मूत्र से धुलवाने की क्या जरूरत थी भाई? क्या जरूरत थी ऐसी? तो क्या लग रहा है चुनाव आने से पहले जा रहे हैं तो क्या लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या वोट बैंक वगैरह? हाँ पड़ेगा ना, वोट बैंक सारा खत्म है इनका। जो बेवकूफ़ी हरकतें कर रहे हैं ये लोग, जो दिखा रहे हैं, जिस जातिवाद और धर्म के आधार पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, लोगों को बहकाया था, जिस विकास का इन्होंने नाम लिया था, ड्रामेबाजी की थी, वो तो इनके पास विकास तो है नहीं, जातिवाद और धर्म बचा हुआ है, जिसकी गंदी राजनीति फिर से करना चाहते हैं। तो भैया जनता बेवकूफ़ नहीं है, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और इनको बहुत सटीक जवाब देने वाले इस चुनाव के अंदर। ये जो दलितों घर खाना खाकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जड़ से खत्म होंगे इस बार और दलित तो इनके पास झांकने नहीं जाने वाला। वो हाथरस वाला कांड याद है इनको? ये भूल गए, ये वो भी दलित की बेटी थी। अब ये नारा दे रहे हैं 80-20 का, तो मतलब जो 80 है वो कौन है मुझे बताएं ना? हिंदू और मुस्लिम बांटे इन्होंने, तो जो दलित है वो कौन से माते हैं? वो 80 में है 20 में है भाई? वो किस में है? वो तो किसी में नहीं बचे ना, 80 तो इन्होंने हिंदू गिने थे। 80 जो है 20 से भारी पड़ जाएंगे। कौन है वो 80? वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, 80 तो 20 पर भारी पड़ेंगे। दलित उन 80 में है या नहीं है? अगर वो 80 में है तो उनके घर पर जाकर खाना खाकर एहसान दिखाने की जरूरत क्या पड़ रही है?
चौधरी साहब, सवाल है मेरा कि आप युवा हैं तो क्या लग रहा है, आप युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस वक्त जो है योगी सरकार की जो है अपने 5 साल देख रही कार्यकाल को, आचार संहिता भी लग चुका है, तो मैदान में कौन है सबसे पहले सवाल, और दूसरा ये कि सरकार कैसी रही युवाओं के लिए? भैया युवाओं का जो एक रुझान चला था सरकार की तरफ जब ये सरकार आई थी, क्योंकि उनको बताया गया था कि रोजगार की बाढ़ आने वाली है, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, तो बींग युवा होने के नाते तो मुझे तो लगे कि भाई सरकार आ रही है, मुझे नौकरी मिल जाए, रोजगार मिलेगा, तो मैं क्यों ना जिता दूं उसको। तो युवाओं ने उनको जिताया, बेशक एक प्रचंड बहुमत से जिताया, लेकिन अब इस पिछले 5 साल में युवा समझ चुका है कि देने के लिए इनके पास लाठियों के अलावा कुछ नहीं है। अगर युवक रोजगार मांगता है तो लाठियाँ मिलती हैं, शिक्षा पर बात करता है तो लाठियाँ मिलती हैं, बच्चे अगर बात उठाते हैं तो लाठियाँ मिलती हैं, लड़कियों तक के सिर फोड़ दे उन्होंने रोजगार और शिक्षा के नाम पर, ये वे लोग हैं। तो भैया रोजगार चाहता है युवा, युवा शिक्षा चाहता है, जो युवा महिला है वो सुरक्षा भी चाहती हैं, इनके पास तीनों में देने के लिए कुछ नहीं है। तो युवा डिसीजन बना चुका है कि ये सरकार निश्चित तौर पर उनको बदलनी है, अगर उनको अपना भविष्य चाहिए तो उनको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव में सबसे पहला बदलाव होगा सरकार को बदलना, वो तय कर चुके हैं। 7 सीटों पे जो है आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, और पहले ये कवायद लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी जो है अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन फिर से गोरखपुर से लड़ रहे हैं, क्या मतलब? जो काम बाद में होना था रिजल्ट आने के वो पहले कर लिया उन्होंने, गोरखपुर वापसी हो चुकी है और वो बढ़िया तरीके से वापसी हो गई है, तो जो काम पहले होना था वो अभी हो गया है, तो गोरखपुर जाना था वो भाई साहब चले गए हैं। रही बात इनकी सीटों की, तो जो टिकट है इनके वो पुराने ही रिपीट कर रहे हैं, जो भगदड़ मची है इनके टिकटों को लेकर, वो टिकट इनके ख़त्म हो चुके थे, अगर ये कहीं और देते तो इनके कैंडिडेट्स वगैरह सब भाग चुके होते। आप गाज़ियाबाद में देख लीजिए, 5 की 5 सीटों ने रिपीट करी हैं, कुछ नया कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं आया है। एक डर बना हुआ है इनके अंदर, डर, दहशत का माहौल है भाजपा के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है, भाग दौड़ मची हुई है, खुद इनके नेता मंत्री भागने लग रहे हैं, जो पहले इनसे जुड़ रहे थे आज वो लोग भाग रहे हैं। तो ये तक बहुत बड़ा संदेश है देश और प्रदेश के नाम पर कि भाजपा खत्म हो रही है, जिस धोखे से हुआ था वो धोखा दिख चुका है जनता को, अब जनता उनको समेट रही है। चलिए, ये हिंदुत्व कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा इस बार चुनाव में, जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फिर से मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद जो है काशी कॉरिडोर का उठाया गया था, फिर बार बार मथुरा का नाम जिक्र लिया जा रहा था, क्या लग रहा है इसमें, इस मसले को कैसे देखते हैं? एक बड़े कहावत कह गए कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जिनका रोजगार ठप हो गए, जो भूखे मर गए वो भी हिंदू ही थे, जिन्होंने इनसे रोजगार की आस लगाई थी वो भी हिंदू ही थे, जिस बेटी को उन्होंने बलात्कार करके रात में रातों रात जला दिया जिस सरकार ने, वो भी हिंदू ही थी, उन्नाव की बेटी जो उनके विधायक ने रेप करके उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया भाई, वो भी हिंदू ही थी। तो हिंदुत्ववादी और हिंदू हिंदू जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये खुद हिंदुओं के विरोधी सरकार है, बहुत निकम्मे लोग हैं, ऐसे लोग कभी मैं कहता हूँ धरती पर एक आध बारी कोई ऐसे आते होंगे, इतने बुरे लोग, ये वो लोग हैं, हिंदुओं को ख़त्म कर चुके हैं, मुसलमानों को ख़त्म कर चुके हैं, इन्होंने छोड़ा कौन है भाई, ये सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, 4 लोग हैं ये, अडानी, अंबानी, मोदी, योगी एंड कंपनी जो चल रही है ये, इसके अलावा किसी देश वेश के नहीं है, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए आए ये लोग। कौन सा हिंदू धर्म की बात करते हैं, गंगा मैया की बात करो तो उसमें इन्होंने लाशें तैरा दी, सबसे गंदे स्तर पर गंगा इन्होंने पहुँचा दी, तीर्थ स्थलों का हाल इन्होंने बुरा किया हुआ, सिर्फ जाकर ढोंग करने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए मोदी वो सब ड्रामा चलवा दे टीवी पर, तो वो नहीं हो जाता कि भैया मैं हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब ये नहीं कि मैंने शरीर पर 3-4 रंग लगा लो, खड़ा होकर सामने कह दे कि जी हाँ खड़ो देखो मैं हिंदू खड़ा हूँ, ये नहीं होता हिंदू। हिंदू का मतलब होता है समानता, भाईचारा कुछ रखने वाला इंसान हो, और ये देश जिसमें हम खड़े हैं भाई हिंदुत्ववादी देश नहीं है, ये हमारा वो देश है जिसमें सब धर्मों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, सब धर्मों ने मिलकर देश को बनाया है, और आज भी मैं इस देश की अगर बात करूँ तो आप अलग अलग प्रांत में चले जाते, अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, अलग अलग तरीके मिलते हैं, अलग अलग कल्चर मिलते हैं, हम कैसे इसको एक सूत्र में परोल लेंगे, जबरदस्ती किसी के साथ कर देंगे भाई? मैं अगर आज कन्नड़ वाले से कहूँगा तो ये मार पीट के हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोल, मैं तो ये बात देख रहा हूँ हिंदी बोल, तो वो वाला ढंग है इनका मेरे भाई, कैसे बोलेगा कन्नड़ वाला हिंदी, बोलेगा तो बेचारा टूटी फूटी बोलेगा। हमें इनमें जो संविधान दिया गया है समता समानता के आधार पर, उसके हिसाब से चलेंगे भाई, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगा देश के दो के हिसाब से, ये कहते हैं कि हिंदुत्ववादी है हिंदू के हिसाब से हम चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो इस बार ये गेम नहीं चलने वाला है जो बार बार चला जाता है? बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई, को इनके पास है नहीं ये गेम, तभी तो अब दलित के घर जाकर ड्रामा कर रहे हैं खाना खाने का, ये अभी 80-20 की लड़ाई बता रहे थे, अब दलितों को 80 से अलग कर दिया इन्होंने खाना खाकर, ये तो करा ना, तो इनका ये तो हिंदुत्ववादी वाला नाटक है, वो बिल्कुल नहीं चलने वाला। वैसे भी अभी जो जयपुर में रैली हुई थी वहाँ राहुल गांधी जी ने साफ दिखाया था उस अपने सेंटेंस में कहा था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में बहुत फ़र्क है भाई, हिंदू अलग है हिंदुत्ववादी बहुत अलग है, हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले लोग हैं, गोडसे वाले लोग हैं, ये तमीज़ की बात नहीं कर सकते ना, मार धाड़ में ही यकीन है। मैं कहना चाहता मैं योगी जी से, मेरा सवाल है आपके चैनल के थ्रू,
कि योगी जी इस दलित शब्द की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मैं दलित शब्द को क्लियर करना चाहता हूँ कि है क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस सरकार में सरकार के नुमाइंदा, इस सरकार का कोई भी अंधभक्त या कोई भी जानकार इनका हो मुझे बता दे, दलित का मीन्स समझते क्या है ये लोग? कौन है दलित जो उसको इस तरह दिखाया जा रहा है कि हम दलित के घर खाना खाने गए, हमने दलित के घर खाना खाया, बेशक वो खाना घर से लाए थे, अभी भैया ने बताया पत्तल भी फैंसी वाले थे, सब चीज़ थी, लेकिन जो वर्ड है दलित के घर खाना खाया जो उन्होंने दिखाना चाहा, उसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से योगी जी, हमें थोड़ा बता देना, क्योंकि हमें तो लगता था आपका एक सड़ा हुआ गला जो कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से दलित तुमने बताया है, लेकिन अब उसके हिसाब से भी आप लोग चेंज करते जा रहे हैं। तो ये सवाल है मेरा, मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, मेरा सवाल है एक सरकार के, लेकिन दलित की परिभाषा जरूर बता दें होता क्या है। एक सवाल है मेरा कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि घर वापस जाना है भैया, वापसी में आसानी होगी। अगर कहीं और से लड़ेंगे, अगर नोएडा से लड़ लिया तो नोएडा से गोरखपुर तक जाने बड़ी बेइज्जती होगी। पहले घर जाकर बैठ गया, मठ संभाल लिया योगी जी ने अपने, वही गाय भैंसों में लगे रहो, बहुत बढ़िया रहेगा, इससे बाहर का काम मत करो, सरकार चलाने के लिए और बहुत लोग चला लेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। तो डर है एक अंदर, पहले वो पहले दिख गया, अपने जाकर चुपचाप गोरखपुर में मठ में बैठे हैं, अपने बाबा जी मठ संभालेंगे, सरकार संभालना उनके बस की नहीं है। सरकार में बहुत बुरा हाल हो चुका है, वो खुद भी समझ चुके हैं कि भैया बीजेपी के बहुत सारे जो नेता है जो है दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे भी कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, नेताओं को फर्क पड़ा, नेताओं का आत्मविश्वास जाग गया, नेताओं को अकल आ गई, उन्हें समझ में आ गई, क्योंकि जो भी बाहर निकल रहा है वो यही कह रहा है कि पिछड़ों का, दलितों का और महिलाओं का लेकर कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर सकता है, उनका ना कोई सम्मान होता है, सिर्फ कठपुतले बनाकर रखा जा रहा है उन लोगों को। तो वो खुद जाग चुके हैं, वो बाहर होंगे, पार्टी अपना खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म होने के कगार पर चली रही है। अभी दर्जन भर तो मंत्री और इनके विधायक जा चुके हैं और उन्होंने बताया कि 100 की लिस्ट तैयार भी जो आने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में ही, यही तो रीजन है। जितने भी पुराने इनके कैंडिडेट्स उनके टिकट उन सबका रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो 107 जो कैंडिडेटों के जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है? कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है उस सूची में, ये मतलब अगर मैं चुनावी मुद्दे से जोड़ू तो 80-20 जो गा रहे हैं ना नौटंकी जो है, ये उसको बहुत ज़्यादा धार दे रहे हैं। मैंने शुरुआत अपनी बात से वहीं से की थी कि धर्म की और जात की राजनीति के अलावा इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है इसके अलावा करने के लिए। अभी भी वही करा है इन्होंने, अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देंगे, नॉर्मल जनरल हिंदू को या जो भी कैटेगरीज आती है इनको सबको टिकट दे दिया इन्होंने, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि देखो हम बहुत बड़े वाले हिंदूवादी नेता हैं। दूसरी लिस्ट हो सकता है उसमें आ जाए? देने पड़ेंगे। अभी जो मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने दिखाया है। टिकट तो सबको देंगे, नहीं देंगे तो फिर वैसे खत्म हो जाएंगे, एक तरफ विचारधारा क्योंकि शो हो जाएगी पब्लिक को, लेकिन कर कुछ भी लें, जो ढोंग इन्होंने रचा रखा है इस टाइम, इस ढोंग में पब्लिक एक बार आ चुकी है, दो बार आ चुकी है, केंद्र में तो दो बार आ चुकी थी इनके बहकावे में ना, अब ये भाई साहब भी अगर कुछ टोटल जोड़ो 3 बार बहकावा हो चुका है, मिलता क्या जनता को, सिर्फ एक कटोरा, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी और पिटाई लठ डंडे, ये मिलता है जनता को, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता भाई। तो कब तक झेलेंगे? लठ झेलने के लिए भी एक थोड़ी बहुत ताकत होती है, उसमें कितनी बार लठ पिटवा लेंगे शरीर पर, पिट पिट कर थक चुके हैं जनता, बिना बदलेगी हर हालत में।